दही और बेसन से तैयार की गई गुजराती कढ़ी बहुत टेस्टी होती है। ये खिचड़ी या कोई भी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने दही 250 ग्राम लिया है, बेसन 2 टेबलस्पून लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन लिए हैं, 2-3 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं, 2 टीस्पून छोटे टुकड़े में कटा हुआ खोपरा लिया है, खोपरा आप नीला या सूखा कोई भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून तल लिए हैं और हरा धनिया लिया है और बघार करने के लिए जीरा और कड़ी पत्ता लिया है। पहले मैंने तल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिये को मिक्सचर में ऐसे ग्राइंड कर लिया। इस तरह से मसाला बन गया। अब दही में ये पिसा हुआ मसाला मिला लिया और जार में आधा ग्लास पानी डाल के ये पानी भी इसमें मिला लिया। अब इसमें चने का आटा भी मिला लिया। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये सबको मैंने पहले हाथ से और फिर हैंड ग्राइंडर से अच्छी तरह से मिला लिया। अब एक पॉट में बघार करने के लिए 1 टीस्पून तेल लिया है, इसमें ज्यादा तेल नहीं लेना। अब तेल गरम होने के बाद बघार करने के लिए जीरा और कड़ी पत्ता डाला है। अब जीरा ब्राउन होने तक उसको पकाना है। अब बाद में उसमें कड़ी का दही वाला मिक्सचर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसमें आधा ग्लास पानी डाल के उसमें मिला लेना है और मीडियम आंच पर उसको गरम करना है और हलाते रहना है। दही की कढ़ी को बहुत गरम नहीं करना है, नहीं तो वो फट जाती है। सिर्फ एक उभर लाना है और ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देना है। ये हमारी स्वादिष्ट गुजराती दही वाली कढ़ी तैयार हो गई। इसको आप खिचड़ी या किसी भी प्रकार के चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है।